मिस्टर टोनी, मेरा हस्बैंड सच में डर चुका है। तुम्हारे नाम से बहुत ही ज़्यादा घबराता है। तुमने उसे और उसके ग्रुप को दिखा दिया है कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। ये तो मेरा काम था, आगे का काम बताओ मुझे प्रिंसेस। मेरा हस्बैंड पैसे ट्रांसफ़र करवा रहा है अपने कसीनो से, बहुत ही ज़्यादा पैसा है। मैं चाहती हूँ वो सारा पैसा तो ख़त्म कर दे। यार उस पैसों का हम इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं ना, बहुत काम आएंगे आगे। मैं चाहती हूँ उसका पैसा पूरी सड़कों में जले। चल ठीक है ठीक है ठीक है, ये काम मुझे कब करना है मुझे बता। ये कब का शुरू हो चुका है? वो कसीनो से रवाना हो चुके हैं, तो तुम्हारे पास अभी भी बहुत कम टाइम है, जल्दी जाओ। तो ये रहा काजुकी की वैंस, लेके जा रहा है पैसों से भर के पूरी और भगा रहा अपना पैसा। इसके पैसे को लगानी है आग और इसकी वैनें फोड़ देनी जितनी पैसों वाली हैं। तो आगे हम अब हमें जाना है काजुके की वैन फोड़ने के लिए, जितनी वैन है पैसों वाली। यकूजा कंपाउंड में जा रही है वो, तो उसे जाने से पहले पहले ही मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। सामने बाइक हाईजैक करता हूँ जल्दी से जाके, और जितनी भी तीन वैन है सब फोड़ देता हूँ। और मैं जाता हूँ जल्दी से और उन वैन को फोड़ देता हूँ। भाई टाइम कम है मेरे पास और जल्दी से जल्दी फोड़नी पड़ेगी, तो उनका पीछा करता हूँ मैं यहाँ से जाके। अब यहाँ से लेता हूँ राइट, अब बिल्कुल सामने जा रही, देखो सामने। अब मैं अपनी अंधाधुन फायरिंग चला रहा हूँ और ये चल रही है मेरी फायरिंग। अब एक एक करके सारी वैन फोड़ देनी, पैसों से भरी हुई है ये। रुको रुको भाई, कोई लालच नहीं करना पैसों का। अब मैं दूसरी बाकी की बची कुछ ही वैन फोड़ देता हूँ। इनको जाने नहीं देना भाई, नहीं तो पहुँच जाएगी जगह पे अपनी ये। उससे पहले पहले मेरे को फोड़ देना। तो ये वैन पे मैं चला रहा हूँ गोलियाँ फुल, अब ये भी आग के लपटों में हो गई। चलो जी अब लास्ट वैन को ढूंढते हैं। अब उसको करने के बाद हमारा मिशन है पास। टोनी सिप्रियानी है नाम, तो वो ही सामने वैन जा रही, तो यहाँ से राइट ले लेता हूँ और जल्दी से ख़त्म करता हूँ मिशन को ताकि हम आगे बढ़े जल्दी से। तो वो जा रही वैन बहुत तेज़ रफ्तार से और यहाँ पे हम अंधाधुन फायरिंग चला रहे अपनी। और भाई जल्दी से जल्द आग लग गई भाई, मिशन पास है अब तो। चलो जी मिशन पास हो चुका है, $3,000 कमाई है। एक और वीडियो साथ है ज़रूर देखो दोस्तों। कोई घर पर है? मिस्टर टोनी, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, मेरा हस्बैंड घबराया पड़ा है। वो यही सोच रहा है कि तुमने हमला कैसे कर दिया। बहुत ही खतरनाक हो तुम मिस्टर टोनी। वो तो पागल किस्म का है, पर एक ना एक दिन पता लगा लेगा। मैं तो कहती हूँ उसको बताते हैं हम अपने बारे में। उसके गैंग वाले चुगलखोर हैं, हमारे बारे में बातें करने के लिए उनको मौका देते हैं। हम कहाँ पर जाने लगे? सिनेमा हॉल फिल्म देखने के लिए। मैं तुम मजाक कर रही हो? इतना मत बनो तुम अपने आप में टोनी, हर कोई सिनेमा घर को पसंद करता है। अगर तुम मेरी कार लेकर आओगे मैं तुम्हें कोट पैंट भी दिलवा दूंगी। हमारे पास टाइम कम है तो जल्दी करो प्लीज़। तो जल्दी से तोशिका की गाड़ी लेकर आनी। तोशिको पता नहीं क्या नाम है इसका। तो सामने पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी है, तो मेरे को 8 बजे से पहले पहले जाना पड़ेगा ओपेरा में। तो पर टाइम कम है भाई, तो जल्दी से भागता हूँ मैं और ये सामने गाड़ी में बैठ जाता हूँ। तो जल्दी से इस गाड़ी को खोलता हूँ और बिठा कर ले जाता हूँ उसको। ये लिमोजिन गाड़ी लग रही है मेरे को, तो शिको को बिठाना है गाड़ी में। चलो जी हम मोड़ते हैं यहाँ से गाड़ी, अब जल्दी से बिठा लूँ इसको गाड़ी के अंदर। जल्दी आओ मैडम, जल्दी फुल रफ्तार से आओ, टाइम लेट करवा रहे हो यार। वैसे भी पड़ा टाइम, पड़ा 2.5 मिनट का टाइम पड़ा है। तो जल्दी से जाना है मेरे को, आउटफिट कोट पैंट पहनना है मेरे को भाई, टक्सीडो। तुम्हें लगता है टोनी कि मैं एक पूरी लड़की हूँ? बताओ तुम पूछ भी किससे रही हो प्रिंसेस, मैं कौन सा संत सिपाही हूँ? संत सिपाही उनसे मुझे कोई मतलब नहीं, सिर्फ तुमसे मतलब है। ये करी ना बात, मज़ा आ गया सुन के सच में यार। जब लगता है ना अपनी वैल्यू बहुत है यार। तो हम आगे कपड़ों की दुकान के पास, थोड़ा सा और आगे जाना है और जल्दी से आउटफिट चेंज करनी है, अपने कपड़े चेंज करने हैं। तो यहाँ पर रोक लेता हूँ गाड़ी सामने और जल्दी ये चेंज करता हूँ, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता हूँ सामने जाके। चलो जी आ गया मैं यहाँ पे। मस्त है भाई, एक्टर लग रहा हो बिल्कुल, टोनी सिप्रियानी एक्टर लग रहा। तो जल्दी से गाड़ी में बैठता, अरे साइड हट जाए यार, गाड़ी में बैठने से टाइम कम है मेरे पास। अब मेरे को जाना है ओपेरा में, सिनेमा घर में। मेरा हस्बैंड एक समुराई है मिस्टर टोनी,
वो बहुत ताकतवर है पर वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। उसने मेरे से शादी इसलिए कराई ताकि लिबर्टी सिटी का डॉन बन जाए। उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया, सारा दिन अपने बंदों के साथ रहता है वो। तुम्हें मेरी बात समझ आई टोनी? जब उसको पता चलेगा ना कि तू क्या कर रही है, वो तेको मार देगा। मुझे जीने और मरने से कुछ फर्क नहीं पड़ता टोनी, बस आजादी में रहना अपनी। तुम्हारी बातें सुन के मुझे अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स मिला। तो हम आ गए यहाँ पे। अबे यार, एक तो ट्रैफिक वाले थे लड़ते, यार बिन बात में इतना ट्रैफिक पहुँचा देते गाड़ी वाले। हमें कोई येलो कलर के मार्ग के ऊपर जल्दी से जाना है यार, टाइम बहुत कम है मेरे पास, सिर्फ 40 सेकेंड्स का टाइम रह चुका है। तो उससे पहले पहले मेरे को ओपेरा पहुँचना पड़ेगा। तो सामने ओपेरा आ गया मैं, नहीं नहीं और आगे जाना पड़ेगा यार। रुको रुको भाई, मैं तो अपनी लिमोजिन पूरी रफ्तार से भगा रहा हूँ, ज़्यादा लेट नहीं होना यार, शो लेट हो जाएगा फिर मिशन फेल हो जाएगा। तो यहाँ से लेना था, सीधा लेना है। अच्छा जी, चलो जी आगे, हम आगे बस थोड़ा सा आगे और पहुँच गए बस। इटालियन सारे जापानीज लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? अभी रुक जा, अभी बात आके बता देंगे उसको। अरे फिरोलिस क्या कर रहे हैं यहाँ पे? गोलियां खाओ मेरे से, ले तू भी गोली का साले। ये फिरोलिस के बच्चे पता नहीं क्यों आ जाते हैं, मेरी डेट खराब कर देंगे। चल बे हट, फिरोली मर बे, M4 है मेरे हाथ में। ये देख ये डंडे मार रहे हैं, इसको पता नहीं मेरे पास गन है, ये मरेगा मेरे से। अब खाई गोली इसने। तो जल्दी से यार गाड़ी में बैठना पड़ेगा यार, इसको भगाना है। तो कौन सी गाड़ी, फिरोलिस की उठा लेता हूँ। नहीं नहीं अपनी गाड़ी उठानी पड़ेगी, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ, जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। तो हमें जाना जल्दी से, वो फिरोलिस पीछे पड़ गए हमारे, तो इनसे बच के भागना भाइयों। कार, अरे अरे आपकी कार छोड़ो यार, अभी भागने का मौका दो यार, फिरोलिस पीछे पड़ चुके हैं हमारे। तो मैं तो जाता हूँ येलो कलर के मार्क के ऊपर फुल भागता हूँ। अबे भाई बचाओ टोनी। अरे बचाऊंगा बचाऊंगा, पहले इनको साइड हटने दो भाई, गोलियां चल रही है यार। रुको यहाँ से घुमा के जाना पड़ेगा यार, रास्ता चेंज करना पड़ेगा, लॉन्ग वे से जाना पड़ेगा। अरे लिमोजिन नीचे गिर गई, येलो कलर के मार्क के ऊपर जल्दी से जाते हैं यार। ये तो फिरोलिस के गुंडे पीछे पड़ गए यार, सस्ती दो कौड़ी के गुंडे। तो भाई यहाँ से ले लेते हैं हम लेफ्ट जल्दी से, फुल रफ्तार से, और जाना वापस इसके अपार्टमेंट पे जाना है मैडम के। तो आ गए हम अपार्टमेंट, बस सामने पहुँच ही चुके हैं, बस फिरोलिस के गुंडे ना पीछे पड़ जाए, उसी का डर है। तो हम ट्रैफिक को काटते हुए जा रहे हैं एकदम मस्त। अरे बाप रे यार, मेरी गाड़ी फुल रफ्तार से यार। अरे ध्यान से भाई, ध्यान से भाई, ठोक मत देना यार, उसी बात का डर है, बाकी फिरोलिस के गुंडों का डर है। अबे यार टैक्सी वाले यार इतनी ट्रैफिक कर देते यार यहाँ पे। तो यहाँ से लेफ्ट लेता हूँ मैं, हम आगे बस अपार्टमेंट के पास आ गए। तो वो रहा सामने अपार्टमेंट, तो गाड़ी खड़ी कर दे रही है मेरे को जल्दी से। जल्दी करो टोनी। तो ये आ गई यहाँ पे यकूजा के चुगलखोर जनता, इनके चुगलखोर गुंडे दो कौड़ी के। तो हमारा मिशन पास हो चुका है, 2000 रुपये मिल गए डॉलर। तो सब्सक्राइब मार दो जो मेरे नए भाई आए हैं।